ये ऐसा क्यों किया? पर्स निकालो, फटाक से निकालो, फटाक से पर्स निकालो। ये गंदी हरकत ना किसी और के साथ करना, ठीक है, चोरी करना, इस तुम्हें पता है कितना बड़ा पाप है? ये पर्स क्यों चोरी किया तुमने, पागल हो गए? मजबूरी थी। ये लो, ये हमारे पास पर्स में 1500 रुपये हैं, ठीक है, ये पकड़ो आप, ठीक है, रख लो। बाकी कितना चाहिए आपको? 5000, 3500 रुपये, ये लो पकड़ो, फोन पे आप। ओह माय गॉड, अरे यार लेस खुल गया यार मेरा। हाँ एक्सक्यूज मी मैम, ये पार्क से 2 नंबर की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है? आप यहाँ से सीधे राइट चले जाइए। यहाँ से राइट 2 नंबर गेट की तरफ निकलेगा? हाँ। थैंक यू मैम। ओके ओके, थैंक यू। एक्चुअली में मैं अपना पर्स उसी के बगल में छोड़ के चला जाता हूँ गाइज, और देखते हैं कुछ देर बाद वो हमको इधर उधर देखने के बाद फिर से वो क्या करती है, पर्स को उठा लेती है। देखिएगा आप, पर्स को देखिए उठा रही है, अपने पॉकेट में डाल रही है। यार इट्स सेम सेम। हाँ एक्सक्यूज मी मैम, एक्चुअली यहाँ पे मैंने पर्स तो नहीं बोलूँ यार, वही तो मैं खोज रहा हूँ यार यहीं पे। एक्चुअली मैं यहाँ से आया था, साथ में लग रहा पर्स में से मैंने निकाला था, हाथ में लिया था या गिरा दिया यार, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे था मेरे पास। क्या यहाँ पे नहीं रखा पर्स आपने? यहाँ पे नहीं रखा है? अच्छा आपने देखा तो नहीं कोई पर्स इधर उधर गिरा हो तो? नहीं देखा। गिरा होता तो मैं आपको बता देती। क्या बोल रहे हो आप? गिरा होता तो मैं आपको बता देती। अच्छा अच्छा, बट यार एक्चुअली क्या, हम इधर से आ रहे थे शायद कुछ अभी आगे तक गए थे, 100 मीटर आगे तक गए थे हमने, और तुरंत हमें पर्स का याद आया तो शायद हमने यहीं पे शायद भूल गए। नहीं है यार सिटी यार, एक मिनट देखते हैं इधर उधर यार, इधर भी नहीं दिख रहा है ना ही इधर भी नहीं दिख रहा है यार, शायद चले गई। क्या यार अभी कुछ देर पहले इधर हम इधर से आ रहे थे, मेरे पास पर्स था शायद, हमने हमें लगा कि जूता बांध रहे थे ना तो हमें लगा शायद इधर छोड़ दिए हों, इधर उधर नहीं है। एक बार आप खड़े हो जाओ, शायद इधर उधर हो तो। यार सॉरी यार यार, बट हम इधर तो बैठे नहीं थे, नीचे बैठे थे ना यहाँ पे। क्या कहने का मतलब क्या है? मैंने पर्स लिया। नहीं नहीं कहने का मतलब ये नहीं है मैंने पर्स लिया, बट मैं पूछ रहा हूँ। कह रहे हो कि आपने यहाँ पे पर्स छोड़ा ही नहीं तो फिर मैं कैसे बता दूँ आपको? नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ यार, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बस जस्ट पूछ रहा हूँ, शायद मे बी हो सकता है यहाँ पे। नहीं नहीं आप हमें गलत समझ रहे हैं। क्या बोल रहे हो आप हमें गलत समझ रहे हैं? अरे यार सारे तो ये लग रहे कि मैंने, नहीं नहीं आप ये सारे नहीं करें, सॉरी मैडम मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, आप बैठ जाओ सॉरी यार इस पूछने के लिए यार, बट हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम यहीं पे भूल के गए हैं यार। वो सिट मैन सारे लोग आ रहे जा रहे, किसी ने उठा लिया। अरे यार क्या बताऊँ मैडम, उसमें मेरे से 6-7 हज़ार रुपये थे करीब, उसमें मेरा आधार कार्ड था यार, आधार कार्ड था और पैन कार्ड था, डॉक्यूमेंट्स थे हमारे। ऐसा हमें फील हो रहा है कि जैसे हम यहीं भी भूल के गए हों। नहीं आपने यहाँ नहीं रखा। यहाँ नहीं रखा तब के कह रहे हैं, मतलब ये है कि मैंने उठाया है वो। नहीं 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 मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप उठाए होंगे, आप उठाती तो दे देती ना, आप इतने तो अच्छे घर से लग रहे हो, भोले भाले लग रहे हो, आप क्यों चोरी करोगे यार? मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बस जस्ट बिकॉज पैसे की हमें कोई चिंता नहीं है, ठीक है, उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में से आधार कार्ड है मेरा, पैन कार्ड है यार, और ATM होगा एक यार। दिस इज़ गुड नॉट गुड यार, दिस इज़ नॉट गुड यार, हमें ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे हम यहीं भी भूल के गए हो मैडम, ऐसा कुछ मैंने कहा आप यहाँ पे नहीं भूल के गए? अरे यार अब मैडम गुस्सा हो रही है, बस पूछ रहा हूँ मैं ऐसा कि शायद मे भी यहाँ पे हो जाए यार। कहाँ क्या हुआ, आसपास भी नहीं है। जे पेंट में आपके वो दिख रहे हैं, पर्स दिख रहे हैं, ये आपके हैं? ये मेरा पर्स। अच्छा आपके हैं यार, सॉरी यार, एक्चुअली हमें लगा कि शायद लड़कियाँ पर्स ना रखती हों, पर आप पर्स रखते हो, अच्छा लग रहा है यार, चलो ठीक है अच्छी बात है, बट मेरा पर्स यहीं पे कहाँ गायब हो सकता है यार? अभी बस यहाँ से हम बस वहाँ पे 50 मीटर करीब आगे गए थे, ठीक है, तो उसको वहीं कहीं गिरा दोगा, इतने सारे लोग आ रहे हैं, उधर से हम उठा लिया होगा, उधर से हम आ रहे थे ना खोजते हुए आ रहे थे, बट उधर कहीं नहीं दिखा, शायद हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम सूझ बाने ना, तो हमें लगा कि यहीं पे हम अपना पर्स रख के गए थे। आप अपना पर्स नहीं रख के गए थे? नहीं रख के गए थे यार, थोड़ा सा मेमोरी लॉस है हमारी, अब क्या बताएं यार, मे भी आपके पास तो नहीं है ना यार, चेक कर लीजिए। नहीं हम कैसे चेक कर लें यार, ये आपका पर्स, इसके अलावा कुछ तो दिख नहीं रहा है, बट हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बस ये हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद हमें यहीं पे रखे गए थे? नहीं आपने यहाँ पे नहीं रखा है, रखा हो तो क्या मैं अपने घर ले जाऊंगी पर्स आपका? नहीं नहीं आप क्यों ले जाओगे, आप दिख रही हूँ। नहीं नहीं आप तो अच्छे घर से दिख रहे हो, आप ऐसा क्यों करोगे, बैठ जाओ आप, सॉरी यार, बैठ जाओ
एक्चुअली आप ऐसे घर से नहीं दिख रहे हो बट अच्छे घर से दिख रहे हो, बट क्या बताएं यार मैंने लॉस कर दिया यार। बट हमें ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये वाला पर्स शायद दिखा दो एक बार, शायद हमें ऐसा फील। ये हमारा पर्स है। आपका पर्स है, दिखा दो एक बार। क्यों दिखाऊं, ये मेरा पर्स, प्लीज दिखा दो यार, हमें ऐसा लगा जैसे कि यही मेरा है। कैसे लग रहा है आपको ये? शायद मे बी। तो मैं पर्स नहीं रख सकती? नहीं पर्स रख सकते हो आप, बट एक बार पर्स तो दिखा दो आप। ये मेरा पर्स, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ही पर्स है यहाँ पे। नहीं ये मेरा है। आपके कहने का मतलब क्या है कि मैंने लिया आपका पर्स? नहीं नहीं आपने मुझे समझ के क्या रखा है? नहीं कुछ समझ नहीं रहे, बस शायद हमें लग रहा है ये मेरा है। ये मेरा पर्स है, मैं आपसे कितनी बार कहूँ? तो एक बार दिखाने में क्या जाता है? क्यों दिखाऊं, ये मेरा पर्स है। अरे यार एक बार दिखा तो दो, शायद हमें ऐसा लग रहा है। नहीं ये मेरा पर्स है, मैं नहीं दिखाऊंगी। प्लीज यार दिखा दो। क्यों दिखाऊं यार? प्लीज यार, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि जैसे यही पर्स हो हमारा। नहीं आपका पर्स नहीं। हमारा नहीं है? यार ये पर्स नहीं रखती। हाँ लड़कियाँ पर्स रखती हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि लड़कियाँ नहीं रखती, बट शायद पता नहीं क्यों लग रहा है इस शेप साइज से हमारा लग रहा है। तो मैंने भी इसी शेप साइज का लिया है, कैसे कह सकते हो कि मतलब कि आपका पर्स है इसी शेप साइज का? यार मेरे शेप साइज का आप हमारा पर्स देखे थे क्या कभी? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो यार? ये देखो कुछ हमें गड़बड़ लग रहा है, बट हमें दिखा दो प्लीज। कह रही हूँ ये मेरा पर्स है। आप एक मिनट बैठ जाओ यार, आप हाइपर ना हो, गर्म ना हो, प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे। सॉरी यार बट हमें पल्ले पड़ गई मेरी। यार पल्ले नहीं पड़ गए यार, बट आप ये पर्स दिखा के चले जाओ यार, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। आपको जहाँ जाना या बैठना बैठो, हम चले जाएंगे, बट पर्स तो दिखा दो आप। नहीं हमें नहीं दिखाना, आप चले जाओ यहाँ से। चले जाए हाँ। यार अगर आपने ज्यादा तंग किया तो फिर आप सोच लेना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या करोगे आप? पुलिस को बुला दूंगा, आप परेशान करो, मैं अंकल को बुला दूंगा। अंकल को बुला दोगे? बट एक बार बताएं मैडम, हमें ये पर्स हमारा ही है, उधर देखो कैमरा लगाया हुआ है, ठीक है? देखो कैमरा लगा हुआ है, हमने यही पर्स निकाल के गया था और हमने वहाँ से भी मुड़ के देखा था जब भर रही थी ना पॉकेट में ऐसे करके, तो हमने देखा था। ये ऐसा क्यों किया? पर्स निकालो, फटाक से निकालो, फटाक से पर्स निकालो। ये गंदी हरकत ना किसी और के साथ करना, ठीक है, चोरी करना ये पता है कितना बड़ा पाप है। ये पर्स क्यों चोरी किया तुमने, पागल हो गए? मजबूरी थी। मजबूरी थी? क्या क्या मजबूरी है तुम्हारी? लॉकडाउन में मतलब कि अच्छी खासी जॉब थी तो वो चली गई, तो मतलब कि रूम का किराया पे करना था। रूम का किराया पे करना था इसलिए आपने उठा लिया? यार आपको ऐसे तो मांग भी तो सकते थे हमसे। यार समझते हैं आपकी मजबूरी होगी, मांगने पे कोई नहीं देता, मांगने पे कोई नहीं देता। अब क्या कहना चाहते हो, मतलब हम पैसे चोरी नहीं करते, हमारी मजबूरी थी तब हमने पैसे चोरी किया? यार क्या ऐसी क्या मजबूरी आ गई, किस चीज़ के लिए पैसे जरूरत पड़ रही थी आपको? बताया तो वो रूम का किराया पे करना था। रूम का किराया पे करना था? क्या करते हो यहाँ पे आप? यहाँ पे मैं पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करती हो? हाँ। और जॉब भी करते हो? हाँ। तो लॉकडाउन की वजह से अच्छी खासी जॉब थी वो चली गई। अच्छा रूम रेंट पे करना था, यार आप ऐसे मांग सकते हो बट ऐसे करो ये बड़ा गंदा लगा, बट आप स्टूडेंट पढ़ाई करने वाले हो इसलिए हम आप समझदार हो, बट ऐसे मत करना। आपको पैसे कितने पैसे चाहिए थे रेंट देने के लिए? 5,000। तो 5,000 रुपया देने के लिए आप पर्स चोरी के लिए? चलो ठीक है पैसे देना था, मजबूरी थी तो आपको चोरी। मैं परेशान थी इसलिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। तो जानबूझ के नहीं किया, परेशान हो आप। एक काम करो, चलो ठीक है, वो पैसे चाहिए ना 5,000। एक्चुअली मेरे ये पर्स में है कितना, ये लो, ये हमारे पास पर्स में 1,500 रुपये हैं, ठीक है ये पकड़ो आप, ठीक है रख लो। बाकी कितना चाहिए आपको? 5,000, 3,500 रुपये, ये लो पकड़ो। फ़ोनपे, आप फ़ोनपे चलाते हो? नंबर बोलो अपना फ़ोनपे वाला। 74-70। एक मिनट रुको, हाँ बोला नंबर। 74-70-74-70। हाँ 344। ठीक है कितना? 1,500 दे दिए हैं तुम्हें, कितना चाहिए? 3,500 चाहिए? एक मिनट सुनो तुम, ठीक है 3,500 ना तुम्हें हम दे रहे हैं, फिर 6,000 रुपये दे रहे हैं, 6,000 प्लस 7,500 रुपये, ठीक है 5,000 रेंट के लिए चाहिए तुम्हें ना, 5,000 रेंट, 2,500 अपने खर्चे के लिए रख लेना, ठीक है पर दोबारा ऐसी गलती मत करना, ठीक है एक मिनट। ये 6,000 पासवर्ड, ये जा रहा, देखो पहुंच गया तुम्हारे यहाँ? हाँ आ गया। चलो ठीक है तो बट आप दोबारा से चोरी मत करना, ठीक है यार? यार अच्छी खासी लड़की लग रही हो, अच्छे घर से लग रही हो यार, अब ऐसे चोरी की यार अच्छा नहीं लग रहा है। ये मेरी मजबूरी थी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मजबूरी थी ठीक समझते हैं, बस मजबूरी है, बट अब आगे सब लॉकडाउन नियर अबाउट मैक्सिमम खुल चुका है, ठीक है आप जॉब कर सकते हो, ठीक है जाके जॉब करो आप, ठीक है अगर आपको कहीं जॉब मिले तो प्लीज मुझे बताना। ठीक है हम तुम्हें जॉब पे लगवा देंगे यार,
ठीक है। कैसी किस टाइप के जॉब करते हो आप? मतलब कि बिलिंग हो गई। तो बिलिंग वगैरह की रिसेप्शन वगैरह पे बैठते हो? हाँ। चलो ठीक है, हम रिसेप्शन बात करते हैं, क्योंकि मेरा एक्चुअली मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप जाके बैठ जाना, ठीक है? बट अब दोबारा ऐसा काम मत करना, ठीक है? सॉरी। हाँ चलो, सॉरी वाली बात नहीं है, मजबूरी इंसान को कुछ भी करा देती है, बट यार अच्छा नहीं लगा था कि कोई पढ़ा लिखा लड़की ऐसे कर रही है या पैसे पर्स चोरी की है, बट हाँ आपकी मजबूरी थी, हम क्या बोल सकते हैं इस चीज़ में। अगर मैं आज पे नहीं करती तो वो शायद मुझे हर घर से निकाल देती। अच्छा, वो रेंट से निकाल देता? चलो ठीक है, तुम्हारी मजबूरी, बट पैसे मिल गए तुम्हें ना, अब दोबारा एक काम मत करना, ऐसे पैसे लेना 2500 रुपया जो अपने खर्चे निकाल लेना। ओके, तुम्हें हम ये जो नंबर तुमने दिया था फोन पे पे, ये तुम्हारा पर्सनल नंबर है, ठीक है? इसमें मैसेज करके तुम्हें बता देंगे कहाँ पे जॉब करनी है, ठीक है? हाँ, बाकी आप ऐसे मत दोबारा करना, ठीक है? एक्चुअली क्या, हम तो तुमसे आए थे यहाँ पे गोल्ड डिगर प्रैंक करने के लिए, काफ़ी हमने यहाँ पे देखा था पर किसी ने उठाया नहीं था, पूरा सुबह से लेकर शाम तक तो यही प्रैंक कर रहे थे। मेरा चैनल है यूट्यूब पे क्रेजी विशाल नाम से, सुबह से लेकर शाम तक किए पर कोई लड़की उठाई नहीं, बट यहाँ पे आपने उठा लिया यार। तो हम मानते हैं कि आपकी मजबूरी थी, बट आप ऐसे दोबारा आगे मत करना, ठीक है? चलो ठीक है, हम जाते हैं। बाकी यार तुम्हें कुछ मेरा नंबर कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो, ठीक है? आप कॉन्टैक्ट नंबर मेरा सेव कर लो, ठीक है? 9455, ठीक है, सेव कर लेना नंबर, ठीक है? और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आप हमसे पूछ लेना, ठीक है? शाम को अभी इसके बाद हम क्या पता हम भूल गए, एक बार हमसे वो रिमाइंड कर देना कि नहीं, हमें सब भैया आपने जॉब के लिए बोला था, ठीक है? बाकी आप यहाँ पे किसका वेट कर रहे थे आप? टेंशन कैसे बैठे हो? ठीक है, आप चलो हमारे साथ, ठीक है? कहाँ घर है आपका? 6 नंबर पे। तो कैसे जाओगे वहाँ पे? पास में ही मैं चले जाऊँगी। पास चले जाओगे? हाँ। ठीक है, फिर चले जाना, ठीक है? हाँ, थैंक यू यार, बट हाँ आगे ऐसा कुछ मत करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उनसे मिल लेना, ठीक है? ठीक है, बाय बाय।